مرحبا يا خيرات. तभी से शिप जो है किनारे पे बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही है, तो आगे देखिए समंदर में क्या हाल होता है। हमारे स्लाई भाई कह रहे हैं कि जिस तरह अभी चलने से पहले हिल रही है तो हमें तौबा भी करा दे। आज मेरा दिल बड़ा खुश है कि ज़ंजिबार के इस दावत इस्लामी के सेंटर में मुझे हाज़िरी का मौका मिला और बड़ी तादाद में मेरे मुसलमान बिलाली भाई जमा हैं। और ये भी जानकर खुशी हुई कि माशाल्लाह इस जज़ीरे पर, इस आइलैंड पर 99% माशाल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह ज़ंजिबार के तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ज़ंजिबार में है, जब गर्मी लगती है लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये कुदरती कोल्ड ड्रिंक है, शानदार चीज़ें, नारियल पिया करें। और यहाँ तो बहुत अच्छा मिलता है अफ्रीका में, ये 1000 रुपये का, यहाँ के 1000 रुपये पाकिस्तानी 100 रुपये बनते हैं, 1000 शिलिंग का है। और पानी पी लिया अब इसके अंदर से हमें कोबड़ा भी निकाल कर देंगे, तो मैं तो एक और भी पीऊँगा। और ये बड़ी हेल्दी चीज़ होती है, ये भी वन मोर। अल्लाह की शान देखें नारियल के अंदर ये पानी कैसे पहुँचता है और बेस्ट मिनरल वाटर बन जाता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। देखिए इन्होंने पानी हमने पी लिया है, अब इन्होंने इसके अंदर से जो खोपड़ा कह लें या मलाई कह लें वो निकाल के दे दी है। एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, माशाल्लाह क्या बात है। अल्लाह की शान देखें कैसी कैसी चीज़ें मेरे रब ने अता फरमाई हैं। आज हमने लंच नहीं किया है, आज हम कोकोनट लंच कर रहे हैं क्योंकि हमें शिप में जाना है। जब कभी आपको कश्ती में सफ़र करना हो ना तो कश्ती हिलती बहुत है बाज़ोकात, तो अगर आपने खाना खाया होगा उसको वॉमिट भी हो सकती है। तो हमने आज खाना नहीं खाया, कोकोनट लंच कर रहे हैं और अभी शिप में जा रहे हैं। इस वक्त हम जुमा मस्जिद के पास हैं और बताया जाता है कि ये ज़ंजिबार की सबसे पुरानी मस्जिद है। यहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ की जो हुकूमत के लोग हैं वो भी नमाज जुमा यहाँ अदा करते हैं। और अब हम आगे इसी के करीब, ये देखिए आप सामने पोर्ट है और अब बिल्कुल पोर्ट के सामने ये मस्जिद है। और अब हम यहाँ एक मज़ार शरीफ है जिसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। कमाल ये है कि तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ अरब ताजरान आए, बिजनेस के लिए आए और ऐसा इस्लाम फैलाया कि 99% इस जगह पर मुसलमान बसते हैं। 12 लाख की कमोबेशी आबादी है और सुबहान अल्लाह वो बिजनेस के लिए आए थे मगर कैसा बिजनेस करके गए। और फिर यहाँ औलिया किराम के मज़ारात भी हैं। आइए आप अगर ज़ंजिबार की गलियों में घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप सदियों पुराने ज़माने में आ गए हैं। यहाँ पुराने घर तोड़ने पर पाबंदी है, हेरिटेज को बाकी रखा गया है, घरों में लकड़ियाँ लगाकर इसको पुरानी तामीर पर कायम रखना जरूरी है। आप ये देखें, ये तामीर नहीं हो रही है, इस घर को बाकी रखने के लिए, टेक देने के लिए ये अंदर भी घर के अंदर जो है ना, हाँ तो देखिए ये ताकि ये घर पुराने बाकी रहे और पुरानी जो तहजीब है वो नजर आए। फिर लना वलकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। सैयद अहमद बिन अबी बकर। अरबी भाई बता रहे हैं कि तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ पर यमनी ताजर आए थे और उसकी बिना पर माशाल्लाह यह इस्लाम फैला। और कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब नबी पाक ने हबशा भेजा था इथोपिया, जब पहली हिजरत हुई थी, तो उस वक्त भी कुछ पानी में जहाज़ जो है कश्तियाँ यहाँ भी पहुँची थी। लेकिन ये भी एक रिवायत है और इनका कहना है कि जिन शेख अहमद बिन अबी बकर के हम बारगाह से होकर गए हैं, कहते हैं अगर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर कोई ज़ंजिबार आया और उनकी बारगाह में नहीं आया तो वो ज़ंजिबार आया ही नहीं है। वो इतने बड़े शेख हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वहाँ हाजिरी हुई है। हम पहुँच गए हैं पोर्ट पे, अब हमारी 4 बजे कश्ती है और 3:30 बज रहे हैं। आइए आपको आगे के मनाजर दिखाते हैं। यहाँ कुछ एहलकारों ने हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल अरेंजमेंट रखा है, वरना तो काफ़ी रश होता है यहाँ पर, तो उम्मीद है कि हम ज़रा आसानी के साथ वो कश्ती तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ घंटों के लिए ज़ंजिबार आने का मौका मिला,
जज़ाकअल्लाह ज़ांज़िबार के तमाम ज़िम्मेदारान इस्लामी भाइयों की खिदमतों में, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इज्तिमा रहा, मज़ार शरीफ पर हाज़िरी भी रही, ज़िंदगी रही तो फिर आना होगा इंशाल्लाह। मिलजुल कर भरपूर अंदाज में दावत इस्लामी का काम करेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अभी हम शिप पे जा रहे हैं और अभी से शिप जो है किनारे पे ही बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही है, तो आगे देखें समंदर में क्या हाल होता है। अल्लाह खैर करेगा। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपको मनाजिर भी दिखाते हैं। सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो रहा है और झूम रही है कश्ती, कुशा झूमता जा रहा है सफर। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह मदीना। जकीरन थोड़ा सा बबल होगा लेकिन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, और इसी का नाम सफ़र है। और बड़े आप सोचें कि उस ज़माने में जब हम सुनते हैं कि हज़ार साल पहले अरब तुजार आए थे, तो वो कैसे आए होंगे, कैसी कश्तियाँ होंगी, कैसे पहले सफ़र होते होंगे। अब तो बड़े लग्जरी सफ़र हैं। ऐसे जिसको सी सिकनेस हो, जिसके चक्कर आते हों, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि वो कुछ बग़ैर खाए पिए कश्ती में सवार हो और अपने साथ कोई ऑरेंज जूस या ऑरेंज या लेमन साथ रख ले, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिक निया रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला माशाल्लाह, व्हाट इज द स्पीड राइट नाउ? और इसका मतलब बता रहे हैं कि डबल होता है 60 किलोमीटर, और तकरीबन 45 नॉट्स माइल जो है वो इसकी दूरी है, तो मल्टीप्लाई बाई बता रहे 80 किलोमीटर जो इसका बनता है। ओके, सो यू एक्सपीरियंस समटाइम एनी साइक्लोन और लाइक रफ सी और Okay, okay. But normally the ships which are going from country to country, the speed of that ship is like that, or is more than this or less than this? It depends. Type of the ship. These are the some mountains or what? This is shore, sand. Sands. Okay. Yes, come here. Okay. So this is white. So you have white to follow this map, huh? Yes. White is clear. White is clear. Okay. And here. Okay. Light blue and blue. Yeah. Is low water. Okay. So if you go there, it will be a problem. Yes. Okay. Yeah. What about if any ship come towards you, or any small ship, to, it will show here. Yes, it will. Okay. Show. Okay. And very. We see by view. By view. Okay. In night, you just follow the maps. Okay. Yeah. We follow this. And, okay. In night, if there is no vision, you can follow this. Okay. Night vision is there. Right. Okay. Okay. So you have experience to drive a big ship also? Yes. Okay. चलें जनाब, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बाकायदा एक सिस्टम है पूरा, एक जिसको आप कहें कि उनका नेविगेशन है, और वो उनको बताता है कि कैसे ये ट्रेवल होता है और क्या एहतियातें होती हैं। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज जा रहा है, और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है ये, पुरानी नॉर्मल सी एक शिप नहीं है। और जिस तरह जहाज के सवार कवानीन होते हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। उम्मीद है कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। और फिर मैं अर्ज करता हूँ कि रब की शान है कि अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी, और हम जो दुआ करते हैं ना, सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम इस काबिल ना थे मगर हमारे रब ने सवारी को हमारे लिए मुसख़्खर कर दिया। अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने इंसान को जानवरों पर भी तस्खीर दी, फिर समंदरों पर ही जहाज बनाने की तौफीक दी, हवाई जहाज हमें अल्लाह ने अता किए, सब रब की मेहरबानी है। कितनी आसानी से आपसे बातें करते हुए अपनी मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, बोरी नैया पार लगा जाना। बकार भाई खड़े होकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने बैठ जाओ
बहुत सारी शिप्स में सफर किया, लेकिन पहली बार इतना ज्यादा जो है ना जहाज ऊपर से नीचे हो रहा है, मुझे तो उनके ऊपर हो रहा है जो बाहर बैठे उनका क्या हाल हो रहा होगा। Everything is okay. It's normal. Very normal. It's not very normal. मेरा जहाज अभी ऐसा होता है कभी कभी मौसम की खराबी की वजह से सीट बेल्ट बनाते ही जाते हैं, लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस है और हमारे सामने हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि बादल तो नजर नहीं आ रहे होते और नीचे बादल नजर भी नहीं है। कैसा होना पूरा जहाज जो है वो है ना नबी नाम का शेर पड़